विरोधियों को मैं कहूँगा कि कुछ वार्म अप करने के लिए हमें पैर को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए आप देखिए 1 2 3 सुमन सिंह जी का और पूरी टीम में पूरी तरह से टीम आता है। नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। अक्सर आपने देखा होगा कि हम नेता भी नेता सभी के इंटरव्यू करते हैं, बड़े बड़े कलाकारों के इंटरव्यू आपको दिखाते हैं, लेकिन आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है क्योंकि हम 5वें हरियाणवी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैं और मेरे अगल बगल में अभी जो हैं उद्घोषक हैं, स्टेज होल्डर हैं, या यूं कहा जाए कि वो एंकर हैं, मेरे दाई तरफ है सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी स्वागत है। धन्यवाद यश, तुम्हारे कंचन टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बाई ओर हैं डॉक्टर आबिद अली हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज वो यहाँ पर स्टेज होल्ड कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बता रहा था कि ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आया, क्योंकि शब्दों के जादूगर हैं ये लोग, अपनी लचीली आवाज़ से, लच्छेदार बातों से सभी को मोहित करके रखते हैं। आज उनका इंटरव्यू हम करें। सर, अक्सर आपको देखा है बड़े बड़े कार्यक्रमों में, चाहे गीता जयंती की बात की जाए, यूनिवर्सिटी का तो कोई भी कार्यक्रम आपके बिना होता नहीं है, यहाँ पर भी आप अपनी छटा बिखेर रहे हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम है? बहुत शुक्रिया साहब, आपने मुझे इस लायक समझा है। कोशिश रहती है, क्योंकि कहते हैं मंच संचालक को हम केवल ना अनाउंसर समझते हैं जी, लेकिन हम लोग मंच संचालन पढ़ाते हैं, तो मकसद ये रहता है कि मंच संचालक ना समाज में किसी भी मंच पर हो, कोई भी मंच हो सकता है, वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, उसकी शोभा और उसको सक्सेस करने वाला संचालक होता है, जिसे हम संयोजक कहते हैं, संयोजना संयोग। मैं चाहता हूँ कि उसी नाते हम मंच संचालक को उस दृष्टि से देखें, और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ डांगी जी ने हमें मंच संचालकों को समझा, अहमियत दी, और मैं मेरे साथी मैडम सीमा गुप्ता जी साथ हैं, साथ ही साथ गायत्री कौशल और डॉक्टर अल्पना सुहासनी नहीं आ पाई, तो हम 5-7 लोग हैं जिसको हरियाणा में मंच मिला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अप्रिसिएशन कोर्स है, जिसमें बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती हैं, फिर पैनल डिस्कशंस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले भी दिन हमारे बीच संजय टॉक आए, फिर इसी तरह से हमारे बीच में आदिल हुसैन साहब आए, भीष्म पितामह कहे जाने वाले अरविंद स्वामी हमारे बीच में हैं, लेख राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, फिर इसी तरह से आप देखें कि आज इस वक्त आप देखेंगे कि वो विशिष्ट मैडम हमारे बीच आ रही हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे कलाकार हैं, भारद्वाज जी हैं, विशाल भारद्वाज जी हैं, एक बहुत बड़े लेखक जो अमिताभ साहब के साथ और तमाम लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, जिसमें धमीजा जी हमारे साथ आ रहे हैं, और इन सबका यहाँ होना, कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर होना और इनको सबको लेकर आना निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए, समाज के लिए, अप्रिसिएशन कोर्स को बदलने के लिए, तो ये सारा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। इससे समाज का, डॉक्टर साहब, समाज का भला क्या होने वाला है? जी, समाज का मतलब देखिए, फिल्में सोसाइटी का आईना कहलाती है जी। और फिल्में जब बनती हैं तो बनने से पहले इनके प्रीव्यूज होते हैं, कुछ फिल्में सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए बनती हैं, बहुत सारी फिल्में आप स्क्रीन पर नहीं देख पाते, वहाँ तक आ भी नहीं पाती हैं, तो वो फेस्टिवल्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचती हैं, फिर इसके बाद ये लर्निंग प्रोसेस होता है। जब मैंने एक फिल्म बना ली तो मैं छोटे छोटे इस तरह के प्लेटफॉर्म, जिसे हम हरियाणा का है, केरला है, इफ़ी है, अपना जो इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है, ऐसे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर हमारे कलाकार जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, मेहनत करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल सकते, एक साथ 100-100 मॉल्स में या सिनेमा प्लेक्स में नहीं चला पाते, तो उनके लिए मंच रहता है, वहाँ देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं लोग, कुछ कमी रह जाए, कुछ बात हो तो उसे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोग, तो जो हमारे डायरेक्टर, उनको लर्निंग मिलती है और कहते हैं कि ठीक है, हम ये सीन हटा देंगे, जो डायरेक्टली फिल्म
जो प्रोड्यूस होने के बाद पहले, मतलब अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक कर दिया, फिर वो सिनेमा हॉल्स में अगर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आप जैसा कोई शानदार हमारा मीडिया पर्सन आता है उसे अप्रिशिएट करता, तो कोई प्रोड्यूसर आता कहता है भाई मैंने आपकी फिल्म वहाँ देखी थी और अप्रिशिएट करता हूँ उसको, अब मैं चाहता हूँ बड़े बजट पर हम लॉन्च करें, तो एक साथ हज़ारों सिनेमाघरों में फिर वो फिल्म चलती है। तो ऐसा लर्निंग प्रोसेस ये फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर कलाकारों को फ़ायदा है, निर्देशक जो पहुँचे हैं, प्रोड्यूसर पहुँचे उनको फ़ायदा है, जाहिर तौर पर मीडिया कर्मी आए हैं उनको भी फ़ायदा है, वो समाज को दिखा सकें कि आपके बीच में क्या हो रहा है। इसके अलावा जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल सर, देखिए जर्नलिज्म में जब हम एक्टिंग की डायरेक्शन की पढ़ाई करते हैं तो यहाँ वैसे तो किसी बड़े आर्टिस्ट से मिलने के लिए हम सब तरस जाते हैं, जैसे आदिल हुसैन साहब आए, जब इंग्लिश विंग्लिश में आपने देखा फिल्म या वो जो पाई में देखा आपने, लाइफ ऑफ पाई में देखा, तो सिनेमा पर देख रहे हैं और मेरे सामने वो आदमी खड़ा, तो कितनी बड़ी बात है जी। तो स्टूडेंट्स को उनसे इंटरेक्ट करना, फिर एक्टिंग के लोगों को एक्टिंग से मुलाकात करवाना, डायरेक्शन के लोगों को डायरेक्शन से मिलना, तो यहाँ ईजिली जब वो आते हैं तो आत्मीयता से मिलते हैं, अपनी सीक्रेट्स बताते हैं, टॉक्स करते हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं, यानी कहने का मतलब कि टिप्स देकर जाते हैं कि जहाँ मुझे लाखों हजारों करोड़ों भी खर्च करके वो शख्स नहीं मिलते हैं वो फिल्म फेस्टिवल्स में आकर मंच दिया जाता है, ये है फिल्म फेस्टिवल। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद देना चाहिए इस तरह के इवेंट के आयोजकों को और आदिल सर को भी। बेशक बेशक बेशक, लेकिन और देखिए, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे धर्मेंद्र डांगी जी हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ कहते थे मैं एक्टर बना, एक्टर बनने के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कुछ काम किया, अपना काम कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कहते हैं कि मैं फिल्मों से चाहत रखता हूँ, समाज का आईना लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, सब लोगों को इकट्ठा करना कितना हेडक है, हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो इतनी मेहनत करें। और ऐसे फिर स्टूडेंट्स की बात हो, हमारे मीडिया एकेडमिशियंस आए हैं यहाँ पर, हमारे प्रोफेसर साहिबान आएंगे, भैया हम लोग जैसे कि संडे को एक फंक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोग एक सेमिनार रखा है, मीडिया टीवी और आपका थिएटर और सिनेमा कोरिलेशन क्या है, बीच में हम सब मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, नए कोर्सेज लॉन्च करके नए रोजगार की संभावनाएं हो सकती हैं, फिर नए कोर्स होंगे, नए बच्चे सीखेंगे, नए प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा मामला, बड़ा सेमिनार संडे को हम, और संडे को बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, और फंक्शन रखा है। मुझे पता लगा इस हिफ में ख्वाजा अहमद साहब की जब बात करते हैं तो उस ज़माने में जिनको पानीपत से जाना जाता है, हरियाणा में कोई जानता नहीं है कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की जब बात करते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाई है, वो पानीपत के रहने वाले थे, ऐसे बहुत सारे बड़े नाम जिसमें राजेंद्र गुप्ता, सतीश कौशिक, यशपाल शर्मा बिल्कुल मिलने वाला है, तो ये सब लोग उस ज़माने के उनके नाम पर अवार्ड रखे गए हैं, फिल्मी हस्तियों के नाम पर इन्होंने डांगी जी ने अवार्ड रखा, वो संडे को सेरेमनी होगी होने वाली है। चलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँगा कंचन टीवी से खुलकर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया साहब, बस चलते चलते लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फिल्म फेस्टिवल्स के ज़रिए से हम अपने एकेडमिशियंस, हम अपने कलाकारों को और फिल्म देखने का सलीका सिखाते हैं, ये अप्रिशिएशन कोर्स है, जैसे हमारे कुछ बच्चे आएंगे तो उनको सर्टिफिकेशन होगा, पाँच दिन में क्या लर्निंग की उन्होंने, और फिर ऑडियंस को पता लगता है फिल्में कैसे देखी जाती हैं, कैसे बनती हैं, तो खाली मज़ा लेने के साथ साथ उसको अनुभव भी करने का ये मौका फिल्म फेस्टिवल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हैं जो कविताओं की दुनिया से निकल कर फिल्मों की दुनिया में पहुँचे हैं, सीमा गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी इस मंच पर पहुँचे हैं, एक अलग ही मंच है, किस तरह से देखते हैं कविताओं के मंच को और इस फिल्म फेस्टिवल के मंच को? मंच तो कोई भी हो वैसे मंच ही रहता है जी। हाँ ये ज़रूर है कि जैसे कि मेरा फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो थोड़ा सा मुझे इसकी बैकग्राउंड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी तरफ थोड़ा मुझे स्टडी करनी पड़ती है। अपनी कविताओं के काव्य सम्मेलनों में तो ऐसा होता है कि हम गए तकरीबन हमें साहित्य के बारे में नॉलेज होती है और जिस प्रोग्राम को जिस इवेंट को हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान रहता ही है, तो वहाँ मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, ऐसे भी चली जाऊँगी। तो हाँ यहाँ थोड़ा सा मुझे पहले दिन था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, उनको करीब से जानने का, समझने का, उनके संघर्ष, उनके जीवन को जाना हमने, और कई टेक्निकलिटी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, जैसे कि अब ये इतना अच्छा जो आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे अब ये मिस्टर विनोद जांगरा जी हैं जो ये सारा टेक्निकल थिएटर, आपको थिएटर साउंड मिल रही है, थिएटर इफेक्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे, साउंड क्लियरिटी, पिक्चर क्लियरिटी, जो पिक्चर आपकी मान लो टेलीविज़न पे मिस हो गई है, टेलीविज़न पे सॉरी हमने देख ली, थिएटर में मिस हो गई है, हम उसको हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमने वही पिक्चर टेलीविज़न पे देखी और उसको थिएटर्स पे हम जब देखेंगे तो उसका
क्या अंतर रहा? सीमा जी, हमने देखा है कि जब फिल्म फेस्टिवल पांचवा सीजन अब है, तो पहले सीजन से आप जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी सेवाएं इस कार्यक्रम में आप देते रहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में हो, तो किस तरह का अनुभव रहा है इस पूरे फेस्टिवल से जुड़े रहने पर? जी, मैं पहले की शुरुआती फेस्टिवल्स में साथ नहीं थी, लेकिन हाँ, ढांगी जी के ने ही मुझे अपने साथ काम करने का मौका भी दिया, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की, एक एडवर्टाइजमेंट की, उसके बाद एक पंजाबी एपिसोड में काम किया, तो मैं इस टीम के साथ पिछले 3 सालों से लगभग जुड़ी हुई हूँ। पहले ये फेस्टिवल चंडीगढ़ ही होना था, तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्ट जोन था, क्योंकि मेरा अपना शहर है, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ हमारा कुरुक्षेत्र होने का डिसाइड हुआ, तो मैंने मन में यही सोचा कि नहीं, कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट, मुझे तो ये रहना ही है, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है, जैसा कि आबिद सर ने भी बताया कि हम यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे हैं, नए अनुभव, नए लोग, नया मंच, नई चीज़ें जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते थे, अब उनको समझ रहे हैं। जी चलिए, सीमा गुप्ता तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पर जो कलाकार बनना चाहते हैं या जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो वो यहाँ से क्या सीख कर जा सकते हैं? सभी बहुत कुछ सीख रहे हैं सभी। अब आप यहाँ पे देखिए, कम से कम जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हैं, वो इस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे गेस्ट के साथ इंटरेक्शन होती है, कैसे जैसे आप मेरा हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसे उन्हें भी कहा गया है कि जब वो निकलेंगे तो उन्होंने बाइट्स अपनी लेनी है, तो उनको कितना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, सभी के लिए अपने आप में अल्टीमेट एक कार्यक्रम है, अल्टीमेट कार्यक्रम है, बिल्कुल अल्टीमेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, मैं यही कहूँगी आपके जरिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अभी 2 दिन बाकी हैं, फेस्टिवल बहुत पूरी धूम धड़ाके से यहाँ पे चालू है और बहुत अच्छा रहेगा, तो अपने परिवार और मित्रों को ज़रूर लेकर आए। चलिए, देखिएगा, फिल्म फेस्टिवल है पांचवा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कला भवन में ये हो रहा है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, और निवेदन करूँगा आप सबसे कि कंचन टीवी को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर निखिल के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए।